सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड डिवाइस में रियल क्रिकेट 19 में मल्टीप्लेयर फीचर को कैसे यूज़ करते हैं, आपके फ्रेंड के साथ उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, ये दोनों डिवाइसेस को मैं एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। तो गेम को ओपन कीजिए, मल्टीप्लेयर को ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, प्ले विथ फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जस्ट उस पर टैप कीजिए। जो ऊपर वाला फ़ोन है दोस्तों, हमारा सेकेंडरी फ़ोन है, उसमें आप कुछ करना नहीं है। नीचे वाला जो फ़ोन है, जस्ट शेयर आईडी पे क्लिक कीजिए एक फ़ोन में, इस तरीके से शेयर आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वो फर्स्ट फ़ोन की जो आईडी है दोस्तों, आपको कॉपी करना है। 2 आवर 5 आवर का मैच आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप अपने क्लिपबोर्ड में उसको आईडी को कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आप आपका फ्रेंड दूर है तो आप उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, तो जस्ट व्हाट्सएप पे भी आप उसको ईजी तरीके से जो है दोस्तों शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद आपके दूसरे डिवाइस में दोस्तों आपको क्या करना है, ज्वाइन रूम आईडी पे आपको क्लिक करना है। वहाँ से वो जो आईडी है आपको, यहाँ वो आईडी आपके दूसरे डिवाइस में आपको इंटर करना है। इंटर करते ही जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वो दोनों डिवाइस दोस्तों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो एक्यूरेट नहीं चलेंगे दोस्तों, वो आगे पीछे होता रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजली आपके एंड्रॉयड डिवाइस में रियल क्रिकेट 19 जो है मल्टीप्लेयर फीचर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करके इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी कनेक्ट किया हूँ। तो बहुत इजी और बहुत सिंपल है दोस्तों। एक्चुअली ये वीडियो किसी सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा था, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको कैसे प्ले करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एक डिवाइस में दोस्तों आपको रूम आईडी जो है दोस्तों शेयर करना है, और दूसरे डिवाइस में रूम आईडी जो है वहाँ से ज्वाइन करना है। जो आपने शेयर की हुई रूम आईडी है दोस्तों दूसरे डिवाइस में, वही आईडी आपको वहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के बाद आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल सा प्रोसेस है दोस्तों, आप उसको फॉलो करके आपका जो गेम है दोस्तों प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दोनों डिवाइसेस में जो है दोस्तों गेम अभी रन हो रहा है, ये देखिए। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, सिंपल सा और ईजी सा वीडियो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप हमारा थोड़ा बहुत गेम प्ले देख लीजिएगा। बाय। प्रिपेयर।